शुरू करूँगा। मेरा नाम मोहम्मद मनीरुद्दीन है, मैं एक्सपोर्ट कमीशन एजेंट हूँ और मेरे शॉप का नाम जलाल मियां फैमिली ट्रस्ट और ZMS फूड कंपनी है। अलहमदुल्ला आज 16 एकड़ सर्वे नंबर 19 वक्फ लैंड पहाड़ी शरीफ जलपल्ली मंडल के अंडर हमको आज ये फ्रूट मार्केट नई फ्रूट मार्केट आगाज करने का मौका मिला अलहमदुल्ला। और मैं पहले तो अल्लाह सुबहाना ताला का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अगर मैं अगर शुक्रिया करने बैठूँ इन लोगों के ताल्लुक से तो भी मैं अदा नहीं कर सकूँगा। इनकी नुमाइंदगी की वजह से हमको ये जगह मिल गई है। और कितनी जमीन मिली आपको? जमीन ये है और जमीन पहले तो हमको 12 एकड़ अलॉट हुई, जिसमें 4 एकड़ स्कूल को भी अलॉट हुई, तो इंशाल्लाह वो भी उसकी भी बात। मार्केट कितने एकड़ पे है? ये मार्केट देखिए पूरी 16 एकड़ पे है। 16 पे है। स्कूल को छोड़ गया? नहीं, हमको ऑफिशियली 12 मिली मगर हमारी अभी बात हुई, अभी जो स्कूल को दिए वो भी आपको देने के लिए बात। जी जी, अभी काम कब से स्टार्ट होगा साहब? काम इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम बड़े लोग बैठ के इंशाल्लाह मशवरा करके कैसा करना है काम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं साहब, क्योंकि हमको आम का सीजन बिल्कुल 1-2-3 महीने में है इंशाल्लाह। उसके टारगेट हमारा वही है कि आम का सीजन हम इंशाल्लाह जब तक ये मार्केट ओपन रहेंगी पूरी कंटिन्यू चलते रहेंगे पहले के मार्केट की व्यवस्था। जी हाँ जी हाँ। नहीं टेम्पररी रहेंगी? नहीं ये टेम्पररी है, एक्चुअली हमारी मार्केट कोयडा मार्केट है जो हुकूमत बना के देना चाह रही है, क्योंकि हमारी कोतापेट मार्केट 22 एकड़ पे थी और हम वहाँ पर 36 साल से थे, तो वहाँ पर हॉस्पिटल तामीर करने के वजह से हुकूमत वो तोड़ दी, उस वजह से हम वहाँ से निकल के बाटा सिंगराम चले गए जो कि बहुत दूर पड़ रहा था और गरीब नहीं आ सक रहा था वहाँ से, और साथ ही साथ इतनी सहूलत नहीं थे वहाँ पे काम करने के लिए, जैसे कि पानी है और खाने की सहूलत है और बहुत सारे लोगों को जैसे शेड की भी सहूलत नहीं थी वहाँ पे फ्रूट वगैरह डाल के बेचने के लिए, तो फ्रूट का भी बहुत सारा नुकसान हो रहा था। तो कम से कम ये 15 महीने लगे हमको ये चीज़ को हासिल करने के लिए। जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब की वजह से बहुत सपोर्ट करें हमारी एसोसिएशन को साहब। आपकी ये मार्केट में हैदराबाद के कोई भी व्यापारी आकर यहाँ पर दुकान? नहीं साहब, कोतापेट मार्केट में जो लाइसेंस होल्डर्स थे जिसके दुकान थे जिसके टूट गए तो उन लोगों को जगह अंदर मिली, और दूसरे जो मोंडों के पास जो ठहर के कारोबार करते थे वो लोग? नहीं साहब, फिलहाल का तो हमारा ऐसा मंशा है कि जिसके दुकान टूटे जिसकी हुकूमत से लाइसेंस है उसका लाइसेंस है उनके लिए यहाँ पर जगह लाइसेंस होल्डर जमीन निकलती है वो हिसाब से एक 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 कमीशन एजेंट को कि 100 गज निकलती है या 150 या 200 वो तय सहूलत के हिसाब से, क्योंकि एक एक इंच भी जैसे हमको खराब करना नहीं है यहाँ पे। हमारा मकसद एसोसिएशन का ये है कि सबका काम चले, सहूलत से चले, गरीब का भी फायदा हो, अमीर का भी फायदा हो और मजदूर का भी फायदा हो। और ऑटो यूनियन के हैं हमारे हाजी साहब हैं, ये भी माशाल्लाह से जैसे बहुत खुश है कि जो पैसेंजर ऑटो जो रहता जो गुड्स कैरियर रहता वो लोग भी बहुत परेशान थे। और मैं बहुत अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तक 28 से 30 जान ज़ाये हो गए रोड एक्सीडेंट में। मैं बहुत नादिम करता हूँ, नादिम हूँ व्यापारी लोग फ्रूट के। जी व्यापारी नहीं, ड्राइवर लोग, ड्राइवर है, मजदूर है, जिसमें से एक मई भी जी। और जी जी, ये जो 12 एकड़ आपको लैंड मिली तो ये किराए के तौर पे मिली या लीज के तौर पे? नहीं, मिली किराए के तौर पे मिली, महीना हमको 35,000 रुपए एकड़ हमको पे करने का। किसको पे करना पड़ेगा आपको? बोर्ड को। और साथ ही साथ हम लोग इंशाल्लाह फ्रूट मार्केट को जो मार्केट फीस देना है हम मार्केट फीस भी देंगे। हम चाहेंगे कि मार्केटिंग कमेटी हमको सपोर्ट करें इस चीज़ में, क्योंकि हमारी परेशानी को जाने समझें कि हम किस तकलीफ से जैसा गुजर रहे हैं। अगर अपन यहाँ पे आते हैं तो हमारे साथ भी जैसा उनके साथ हुकूमत के साथ मिलकर हम काम करना चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये मार्केट 2 का जो आगाज होगा उसमें हुकूमत का जैसा भरपूर हमारे को तावन होगा। जैसे कि हम यहाँ पे हमारे जाती अखराजात से हम ये तामीर करना चाह रहे हैं और हुकूमत से हमको बस सपोर्ट चाहिए कि हम फीस भी पे करना चाह रहे हैं मार्केट फीस और किराया भी देना चाह रहे हैं। ओके सर, शुक्रिया।